किचन में सबका स्वागत है दोस्तों। आज एक फिर नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो एक डेजर्ट रेसिपी है। नया साल आने वाला है तो उसका वेलकम करते हैं ये डेजर्ट बनाकर। आज जो डेजर्ट बनाने वाले हैं वो है चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पुडिंग। तो चलिए बनाते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बनाते हैं पूड़ी। नया साल आने वाला है तो आज हम बनाने वाले हैं उसका स्वागत करने के लिए स्वीट चीज। यहाँ हम बनाने वाले हैं आज चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पूड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मेरे पास वेनिला स्पॉन्ज केक है जिसे मैंने हाथों से ऐसे क्रम्बल कर दिया है। इसे मैं सबसे पहले यहाँ पे डालूंगी। ये मैंने स्ट्रॉबेरी शुगर डाल के स्ट्रॉबेरी के पीसेस किए और शुगर डाल के इसे मैंने 5 मिनट के लिए इसे गैस पे गर्म किया है और इसका ये ऐसे मैंने पल्प बनाया है। ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। यहाँ ऐसे हम इसे थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी रखूंगी। यहाँ डबल बॉयलर पे हम चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट लिया है। ये मेल्ट हो जाए एक बार फिर इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब यहाँ पे ये व्हिप क्रीम है जो मैंने बीट करके रखा हुआ है। ये बहुत एकदम सॉलिड नहीं किया है मैंने क्योंकि इसके अंदर मैं ये जो चॉकलेट है जिसे डबल बॉयलर में हमने गर्म किया था इसे मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। ये ठंडा हो गया है इसलिए मैं इसे इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट लिया है। आपको जो चॉकलेट अच्छा लगे वो कर सकते हो आप। यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम और चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसका लेयर करेंगे हम। देखिए एक अच्छा सा हमने लेयर कर दिया है। अब इसके ऊपर वापस हम ये जो हमने वेनिला का स्पॉन्ज लिया है ये डालेंगे इसका क्रम्बल। जैसे हमने पहले लेयर किया था वैसे ही हम इसका सेकेंड लेयर करेंगे। इसके ऊपर जाएगा ये चॉकलेट, अरे सॉरी ये स्ट्रॉबेरी का हमने जो पल्प बनाया है क्रश बनाया है वो। इसके ऊपर फ्रेश स्ट्रॉबेरी कट करके रखी है हमने। इसके ऊपर वापस हम ये जो हमारा चॉकलेट और व्हिप क्रीम का मिक्सचर है उसे हम अच्छे से लेयर करेंगे। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने स्ट्रॉबेरी कट करके रखी है इसे हम अच्छे से लगाएंगे। इसके ऊपर ये जो चॉकलेट है इसे हम ऐसे ग्रेट करके डालेंगे। बीच में ये ऐसे कट करके स्ट्रॉबेरी हम रखेंगे। अब इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पुडिंग रेडी हो गया है। इसे अब हम 45 मिनट्स या एक घंटे के लिए फ्रिज में इसे ठंडा करेंगे और फिर इसे हम खाएंगे। ये देखिए हमारा पुडिंग अच्छे से सेट हो गया है और ये रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। इसे हम खाते हैं क्योंकि ये देखकर मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ कैसा बना है। ये देखिए
बहुत डिलीशियस है। वाओ, ऐसे आप घर पर जरूर ट्राई करें और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें और आपके कमेंट पूरी क्रिएटिव फूड लैब पे जरूर लिख कर भेजें। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर।